चलो तगड़ा मुकाबला पंजी का। हारिया से हारिया मैं नहीं हारी, ये हार गया। बाइसेप्स बाइसेप्स कमान कमान। अबे 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 पूरा सो गया, अबे तो पूरा सो गया। अबे चल हार यार हार। अबे चल चल हो गया। क्या बन रहा है यहाँ पे? बन गया सब्जी। यहाँ लगे हैं जिया जी और बाकी लोग काम पे। कौन सी बन रही है? आलू आलू मटर मिक्स वेज। तो ये चल रही सोनू भाई की मेहंदी। कौन सी अंगूठी? अच्छा मेहंदी के लिए मरीज को उठा दिया। अरे मरीज एक मेहंदी आर्टिस्ट की मेहंदी आर्टिस्ट ये मेहंदी लगाने वाले बहुत हो गए। तो सही से लगा? ठीक है सिखा, बहुत अच्छी लगा रही मैं। दिखा दो। अभी तो शुरू की है जस्ट यार। अभी तो शुरू की, रुक जा। लगा रखी मैंने मेहंदी, ये बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर मेहंदी है। वो कंकर निकलते थे जो इसको के। लगाने के लिए पहले कोर्स करना पड़ता है, एक साल का लगभग। एक साल? और एक साल से अभी हो गया? एक साल से सीख रहा मैं। 5 मिनट में एक साल भाई कोर्स करना पड़ता है। हाँ कोर्स करना पड़ता है तब। हमारे घर योगी ने सीखी मेहंदी पर अपने। लग गई, दिखाओ सोनू भाई, दिखाना ऐसे दिखाना इधर को। ये सिंपल वाली है, खुद का सिंपल। दिखा सिंपल से दिखा। दूसरा वाला देखो। हाँ ये भी सिंपल है, इसके लिए कोई कोर्स की बात नहीं है। बस इसके लिए कोर्स ही है, ये कोर्स है इसके लिए। अगर इस मेहंदी को समझना तो 1 घंटे तक पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। दूर से आ रहे मेहमान, इनके लिए हम बहुत दूर से आ रहे हैं, बड़ी जल्दी पहुंच रहे हैं। रात के 12 बजे पहुंच रहे हैं। की बहुत मेहनती लड़की है, जब देखो आप, जब देखोगे ये लोग काम करेगी, कुछ ना कुछ काम कर रही होती है। बस इसके अंदर मेहनत वाले जीन है। बॉडी दिखा दो अपनी, ये बस 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में जिम गई। इधर इधर बस बाइसेप दिखाना, अभी इधर को दिखाना। हाँ अभी जिसके बाइसेप देखो, बस 1-2 हफ्ते जिम जाने का नतीजा। 2 हफ्ते ये आ गए थे, 1 हफ्ते में देख रहे हो? तो आप देख रहे हो जीन्स में। जीन्स में क्या है दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं आ रखा हूँ खेलरे गांव में, पहाड़ की हसीन वादियों में। तो आज है यहाँ पे हमारे भाई सुमन भाई की सगाई, और मेरे पीछे 2-3 छपरी। तो ये हमारे दूल्हे राजा चमक के अभी लाल हो चुकी है। भांजी सानू, ये वहाँ देख, देख सानू, देख ये तो कौन है सामने, देख कैमरा देख के खुश हो गई। आयुष भाई श्रीनगर का गुंडा, लाइक करे गाइस। और ये देहरादून से भी काफी दूर से पहुंच रहे लोग। ये चाचा, हेलो चाचा। चाचा बहुत बिजी है थोड़ा काम में। सूर्य उदय भी हो गया, और ये इतना प्यारा यहाँ पे व्यू दिख रहा है पूरा खैनूरी गांव का। इधर सारी पूरा गेहूं के फसल हुई है, और ये नीचे चल रहा है काम। इधर साइड पूरा टेंट टूट लगा है। तो आज हम जाएंगे यहाँ से 55 किलोमीटर दूर जोशीमठ। यहाँ पे सभी चल तैयार हो रहे हैं, ये देखो कोई इतना गोरा हो सकता है? नहीं हो सकता, एक ज़्यादा क्रीम का कमाल है चाची। ठीक है बाद में दिखाएंगे मुंह धोने के बाद। और ये देखो अब हो गया भाई, इतना घर ही में रहना है, खाली तैयार क्यों हो रही है इतना? हाँ बस
जाती ये थोड़ा तैयार होने से हम हाँ बोला हाँ बोला उन्होंने अगर बोलते मैं रुक जाती ठीक है ना हाँ यार चाचा ने तो ये देखे बेटी यहाँ देखो ना ये क्रीम सारा दिखा दो निकालो हाथ से निकालो निकालो अरे इसको ग्लिटर ये देखो इधर देखो ये देखो इधर अभी हमारी नानी है नानी कोई कहेगा नानी है जवान नानी इधर मामा जी लगे हैं प्रेस करने के हम सारे तैयार हो चुके हैं यहाँ जा रहे चमोली खनवी से जोशीमठ पूरा सामने है गोपेश्वर और ये है यहाँ सारे तैयार हो रहे हैं कहाँ जा रहे हैं आप सगाई में जा रहे किसकी सगाई में किसकी सगाई में जा रहे हैं मेरे नाती की सगाई है नाती की क्या बोल रहे हो आप हाँ जी लगती नहीं रहा ना ये नाती है इतना जवान बड़ा नाती आपको कैसे लग नहीं रहा नाती होगा अरे सारे लोग यहाँ से सगाई में मौसी घर में मौसी आप गोर भैंस भी लिखाओ बाय बाय यहाँ से खेनरी गांव से आज जोशीमठ बड़ा गांव इसका जाना है बड़े गांव बड़े बड़े गांव में जाना है हम जा रहे हैं भाभी लेने ना ना पर मैं तो अपनी बहू लेने जा रही क्या बड़े लोग हम बड़े लोग है ना सीनियर सिटीजन है हम भाई छत में बैठ के आएंगे प्लास्टिक सर्जरी करके सासू माँ तो हम गांव की रोड से जा रहे हैं ये PMGSY लिंक रोड और रोड के इतने बुरा हाल हो रखे हैं क्या बताएं गांव की दुर्दशा हो रखी है बुरा ये ब्लॉग के माध्यम से बता रहा हूँ कितने दुर्दशा हो रखी गांव की ये फर्क है गांव और शहर में तभी लोग शहर की ओर भाग रहे हैं सारे लोग गांव की रोड एक लगभग 9 किलोमीटर की रोड है पूरी रोड ऐसी ख़राब हो रखी है और हमें 9 किलोमीटर आने में लगभग आधा घंटे से ऊपर लग जाता है तो पहुंच चुके हैं हम NH07 बद्रीनाथ मार्ग पे कदे ना कदे फिर मिलांगे पलकोटी में और यहाँ का फेमस बंड विकास मिला यहाँ ऊपर लगता है ग्राउंड है पूरा और यहाँ का व्यू कितना प्यारा है यहाँ से आपको जो पहाड़ दिखेंगे एकदम खड़े पहाड़ दिखेंगे आगे जो सीमेंट की साइड को पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं सोनू भाई कहाँ बिठा रखा बताता हूँ आपको कहाँ भाई सोनू भाई की सीट कहाँ पे है यहाँ पे नानी और भाई नाम लेके बिल वो में क्यों काउंट कर रही कितनी गाड़ी में तेरे का तेल भरा है अभी हम ये अपना भांजा गुन्नू कहाँ जा रहा है आज मैं जोशीमठ जोशीमठ क्यों जा रहा है क्या है जोशीमठ में आज जोशीमठ में सगाई किसकी सगाई है मेरे मामा की ये है बद्रीनाथ हाईवे NH07 और इसके हाल कितने बुरे हाल हो रखे हैं और अभी कुछ टाइम में यात्रा सीजन भी स्टार्ट होने वाली है 12 मई को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने वाले हैं
तब तक के लिए रोड बनती नहीं बनती सही। क्या चल रहा पीछे? नींद आ रही इनको? पीछे वाला सोई गया, बेचारे दो दिन से सोए नहीं। हमारे साथ दो छपरी हैं, पीछे देखो। पीछे हम नहीं। हेलो करो भाई छपरी। सबसे बड़े तो ये जोशीमठ के पहाड़ है, काफी ऊंचे और सीधे खड़े पहाड़ हैं, और इनके बीच से ये आपको रास्ता दिख रहा है, कितना बारीक रास्ता है। यार पहुंच गए हम जोशीमठ में, और यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। क्या करेंगे फोटो शूट? देख लो भाई पहाड़ देख लो, वहां नहीं मिलेगा पहाड़ देखना। अरे नानी जी पहाड़ देख लो, नानी जी पहाड़ देख लो पहाड़। ये क्या बेटी है मेरा, ये गिलास क्या कर रहा है आपके पास? यहाँ देखो ये सामने हाथी पर्वत, इसका शेप आप हाथी की तरह देखोगे, यहाँ से इधर से मुंह हो गया, ये पीछे जाके कमर, जो सिमट हाथी पर्वत। और ये रास्ता रोड आपको दिख रहा है नीचे, ये जा रही है आपकी बद्रीनाथ के लिए। अभी हमें मलारी रोड पे तपोवन मलारी यहाँ पे रुके हैं। सामने है बड़गांव, यहाँ जाना है हमने आज सगाई में, अभी हम रुके यहाँ पे। उधर से व्यू दिख रहा है तगड़ा हिमालय का सामने। जस्ट पहुँचने वाले हैं हम भाभी के गांव में। भाभी लेने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं, भाभी से बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम बस बोलने जा रहे हैं, आप आधी हमारी बोल चुके हैं, फिर हम आएंगे बाद में। हम आएंगे आपको बाद में लेने, बाद में लेने आएंगे। जल्दी है दूल्हे को, पहले पहुंच गया उधर। ये देखो ये दूल्हे पहले निकल गए, हम सब यहाँ छूट गए, दूल्हा पहले जा रहा है। हेलो, नींद आ रही? अब चलते हैं हम भी। और तो ठीक है सोनू भाई, जल्दी क्यों भाग रहे हो? बहुत जल्दी भाग रहे, आगे आगे भाग रहे, ज्यादा जल्दी हो रही। क्यों नानी, पहुंच गए हम यहाँ पे मलारी, और इसके पीछे ये आपकी बॉर्डर रोड, उस पहाड़ के जस्ट पीछे चाइना, यहाँ से तिब्बत स्टार्ट हो रहा है, चाइना तिब्बत। कोई चाइनीज नहीं देख रहा इसके पास, कोई यहाँ चूक दिख जाए। ये चीन की सीमा, चाची भी पहुंच गए। ये पहुंच गए हम शादी वाले घर में, सगाई वाले घर में। बिनोमो ट्रेडिंग बड़ी Thank you.
पूजा आओ आओ आओ, स्वागत है स्वागत है स्वागत है आपका, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। ये है बडाली की मिठाई, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। आगे हमारी भाभी, ये तो है, ये तो है भाभी, हाँ ये तो है भाभी। आज हमारे सोनू भाई की भी सगाई हो गई। ओ भाई डांस देख, कोर्स ना पड़ जाए। सिखा सिखा दिखाएंगे भैया भाभी का डांस। चलो चलो चलो, हाँ इनको बीच में डालो। मामा सिखा रहे, कुछ तो शर्म करो। Oh.
आठ बजे बाद भैया भाभी तो कैसा लगा सगाई हो गई? किसी को भी अच्छा बताओ नहीं लगा। चुप क्यों हो रखे हो? बताओ भाभी अब कैसा लगा? बढ़िया। चलो लव स्टोरी बता दो यार, लव स्टोरी बता दो। लव स्टोरी अब तो सगाई भी हो गई। कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? सोनू भाई बताओ कहाँ मिले थे? कौन बताएगा? शर्मा रहे यार। कॉलेज बताओ। अगर अभी नहीं बताया शादी में बताने पड़ेगी। अब शादी में दोस्तों आप बताओ बताओ। अब लव स्टोरी जाने के लिए शादी का वेट करें। अक्टूबर का वेट। इसको डिक्की में डालो, डिक्की में। चल चल डिक्की में डालो इसको भी। ले चलो 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 ले चलो ऐसे भी। अब पकड़ो और गाड़ी में बैठाओ। तो हम जा रहे हैं यहाँ से घर की ओर। इनका यहाँ पे बहुत खतरनाक रिवाज है, पता नहीं मजाक था। पूरे हल्दी मिर्ची मिक्स करके डाल दिया ऊपर से, सबके ऊपर डाल दिया। कैसा लगा था? तो चलते हैं यहाँ से खनवरी गांव की ओर। क्योंकि हम अभी घर में, यहाँ रात हो गई है। मैं पहुँचते पहुँचते इधर लाइट जा रही है क्या?